हेलो बड़े, तो कैसे हैं आप सब लोग। और दोस्तों, आज मैं कुछ नया करने वाला हूं हमारे वॉर ऑफ बॉटल्स में, क्योंकि हमेशा यार हम दो बॉटलों को कंपेयर करते थे, आपस में भिड़ाते थे, लेकिन आज हम दो बॉटल नहीं बल्कि तीन बॉटलों को मैदान जंग में उतारने वाले हैं। माहौल को थोड़ा आज हम गर्म करेंगे और कंपैरिजन करेंगे कि आखिर इन तीनों विस्कीज के अंदर से सबसे ज्यादा स्मूदेस्ट विस्की कौन सी है। एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन व्हील्स ऑफ विस्की यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, जिन बॉटल को आज हम कंपेयर करने वाले हैं, तो हमारी बॉटल्स है बैलेंटीन फाइनेस्ट विस्की, जेएनपी रेयर विस्की और जेम्सन आइलैंड। चलिए चेक करते हैं तीनों विस्कीज को और देखते हैं आखिर कि किस में कितना है दम। अब सबसे पहले आपके उस सवाल का जवाब जो कि आपके जहन में आने वाला है, और वो सवाल ये है कि यार क्या रीजन इन तीनों विस्कीज को चूज करने का, मतलब मैं कुछ और विस्कीज भी चूज कर सकता था। तो दोस्तों, रीजन ये है कि तीनों ही विस्की 2000 रुपये के बजट के अंदर आती है। मतलब इंडिया के अंदर जो स्कॉच वाली कैटेगरी है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो शराब बिकती है वो इसी कैटेगरी के अंदर बिकती है। और हम इन तीनों विस्की के अंदर से ढूंढेंगे कि कौन सी विस्की सबसे ज़्यादा स्मूद है। हालांकि अभी नहीं बता पाऊंगा मैं, जब मैं इसका टेस्ट रिव्यू चेक करूंगा तभी आपको बता पाऊंगा कि कौन सी विस्की किससे ज़्यादा स्मूद है। और मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि यार आपको कौन सी विस्की परचेज़ करनी चाहिए। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी इनको विस्कीज को बनाती है। तो बैलेंटीन विस्की को जो कंपनी बना रही है उसका नाम है पर्नो रिकार। जेएनपी विस्की को जो कंपनी बना रही है वो है डीआईजीओ। और अगेन जेम्सन को भी बनाने वाली कंपनी का नाम है पर्नो रिकार। तो मतलब दो विस्कीज है पर्नो रिकार की और एक विस्की है बैलेंटीन की। तो चेक करते हैं भैया कि पर्नो रिकार ज़्यादा भारी पड़ रही है फिर बैलेंटीन ज़्यादा भारी पड़ रही है। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन तीनों विस्की के अंदर कई चीज़ कॉमन भी है। कॉमन है सबसे पहले तो परमिटेड नेचुरल कलर। इन तीनों के अंदर जो परमिटेड नेचुरल कलर्स है वो मिलाए गए हैं। उसके अलावा तीनों ही जो विस्कीज़ है वो ब्लेंडेड विस्की है, और तीनों ही विस्की के अंदर जो एज स्टेटमेंट है वो नहीं दे रखा है। अगर हम बात करें अल्कोहल बाय वॉल्यूम की, तो बैलेंटीन का अल्कोहल बाय वॉल्यूम है 43%। उसके अलावा जो दोनों विस्कीज़ हैं इनका 40% अल्कोहल बाय वॉल्यूम है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भैया दम किस में ज़्यादा है। तो चलिए वन बाय वन करके सबसे पहले जो विस्कीज़ है उनको हम ग्लास के अंदर पोर कर लेते हैं। और सबसे पहले जो नंबर है वो आता है हमारी बैलेंटीन विस्की का। ठीक है, हमारी ग्लास के अंदर बैलेंटीन विस्की है। हमारा जो स्टूडियो है वो बहुत ज़्यादा महकने वाला है। उसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों कि दो स्कॉच विस्की और एक आयरिश विस्की हमारे ग्लास के अंदर पोर हो रही है। तो जो मौसम है वो तो बहुत ही अच्छा होने वाला ही है, बिकॉज यार तीन का दम एक साथ। और अभी जो जेम्सन विस्की है इसको भी हम ग्लास के अंदर पोर कर लेते हैं। और फाइनली जो तीनों विस्कीज है वो हमारे ग्लास के अंदर पोर हो गई है। तो ये है हमारी जेम्सन, ये है हमारी बैलेंटीन और ये है हमारी जेएनबी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैलेंटीन विस्की के साथ और देखते हैं आखिर इसमें कितना दम है। रिच एंड स्वीट। उसके अलावा दोस्तों, जो कैरेमल है एंड वनीला, दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे को फील हो रहा है इस विस्की के अंदर से। साथ में थोड़ा बहुत जो चॉकलेट एंड एप्पल है उसके फ्लेवर भी मेरे को इस विस्की के अंदर से आ रहे हैं। और एक सबसे बेहतरीन बात इस विस्की की दोस्तों, कि जो कैरेमल का टेस्ट है वो बहुत अच्छे से फील होता है इस विस्की के अंदर से। और ये जो कैरेमल का टेस्ट है यही इस विस्की को एक स्मूदनेस देता है, स्वीटनेस देता है। तो अगर मैं बात करूं फिनिश इस विस्की की रहेगी सॉफ्ट एंड स्वीट। आते हैं अब जेएनबी विस्की के ऊपर और देखते हैं इसका टेस्ट आखिर क्या बोल रहा है। स्वीट, फ्रूटी एंड कैरेमल। और जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों, जब मैंने मतलब बैलेंटीन विस्की को चेक किया था, कि जो कैरेमल है वही फ्लेवर इसको स्मूथ बनाता है, और सेम ऐसा ही इस विस्की के अंदर हो रहा है। इस विस्की के अंदर अच्छा खासा जो कैरेमल है, जो स्मूदनेस है, जो स्वीटनेस है वो मुझे फील हो रहा है। इसके अलावा जो ओक के फ्लेवर है
और जो स्मोकीनेस के फ्लेवर हैं वो भी मेरे को अच्छे से फील हो रहे हैं इस विस्की के अंदर से। और अगर मैं बात करूं फिनिश की, तो फिनिश इस विस्की की जो मेरे को महसूस हुई है, जो फील हुई है, वो है स्वीट एंड मॉल्टी। और इन दो विस्कीज के बाद अब नंबर आता है हमारी जेम्सन आइले विस्की का, और चेक करते हैं आखिर इसका टेस्ट क्या बोल रहा है। दोस्तों, स्मूथ एंड स्वीट, और इसके अलावा जो वनीला क्रीम है उसके फ्लेवर भी मेरे को इसके अंदर से महसूस हुए हैं। वुडी एंड नटी नोट्स भी अच्छे खासे इसमें से आ रहे हैं। अच्छे खासे जो फ्लेवर है नटीनेस के, वुड के, वो भी इस विस्की ने मेरे को फील कराया। नो डाउट जेम्सन जो विस्की है आइले बेस्ट विस्की है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली आइले विस्की है इंडिया के अंदर, और बहुत ही ईजी टू डाउन है। बहुत अच्छे से तरीके से स्मूथनेस जो है, स्मूथ तरीके से ये गले के नीचे उतर गई है। और अगर मैं बात करूं इस विस्की की फिनिश की, तो फिनिश इस विस्की का रहेगा विद अ टच ऑफ हनी, मतलब बहुत प्लेजेंट फिनिश है इस विस्की का, और साथ में सबसे एंड में आपको टच ऑफ हनी और अमेजिंग जो स्मूथनेस है वो ये विस्की आपको फील। तो दोस्तों, यहाँ पे फिनिश होता है हमारा टेस्टिंग सेशन इन तीनों विस्कीज का, और इन तीनों विस्की के अंदर जो टेस्ट के अंदर है वो एक बात कॉमन है दोस्तों, और वो बात है स्वीटनेस की। मतलब स्वीटनेस लेवल तीनों विस्की के अंदर अच्छा खासा है, तीनों ही विस्की स्वीट है। तो कोई अगर सिर्फ यार स्वीट विस्की ढूंढ रहा हो, तो तीनों में से कोई सी विस्की ले लो, आपको पसंद आएगी। और बहुत ही अच्छी तरीके से क्राफ्ट किया गया है इन विस्कीज़ को, रेसिपी बहुत अच्छी है, अमेजिंग जिसे कहते हैं ना रेसिपी इन तीनों विस्की की बनाई गई है। और मतलब क्या तारीफ करूँ मैं यार, एक से बढ़कर एक है तीनों ही विस्की। अगर मतलब चूज़ करना हो किसी को, कोई अनजान आदमी चूज़ करे जिसको नहीं पता क्या है, तो उसके लिए बहुत भारी काम हो जाएगा चूज़ करने का। लेकिन हम लोग यहाँ पे नंबर दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पैलेट्स को सबसे ज़्यादा विस्की कौन सी अच्छी लगी। यार ये डिपेंड करेगा पैलेट टू पैलेट, हो सकता है किसी को दूसरी विस्की ज़्यादा पसंद आई हो, लेकिन अगर आप मेरा एग्जांपल लोगे तो मुझको इन तीनों के अंदर जेम्सन विस्की सबसे ज़्यादा अच्छी लगी स्मूथनेस लेवल अगर मैं बात करूँ। सेकेंड नंबर पर जो विस्की मेरे को लगी अच्छी वो है जेएनबी विस्की, और उसके बाद मेरे को जो विस्की पसंद आई है वो आई है वैलेंटाइन विस्की। लेकिन दोस्तों, मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार वैलेंटाइन विस्की का नंबर थ्री है, हो सकता है आप लोगों को ये विस्की ज़्यादा पसंद आए, लेकिन तीनों ही विस्की अमेजिंग है, तीनों ही विस्की शानदार है, और तीनों ही विस्कीज को पीने के बाद आप रिग्रेट तो कभी नहीं करोगे। तो यहाँ पे तो मैंने दे दी है नंबरिंग तीनों विस्कीज को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी भी नंबरिंग आप दे दें, जैसे मैंने दिया है 1, 2 एंड 3। हो सकता है आप लोगों को 1, 2, 3 ऐसी नंबरिंग पसंद है, आपको ये वाली विस्की ज़्यादा स्मूथ लगे। और जिन लोगों को ऐसा लगता है वो मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नंबर लिख सकते हैं, तो हम आपस के अंदर कंपेयर करेंगे, बातचीत करेंगे। और मैंने जैसे आपको कहा था कि हर इंसान के पैलेट अलग होते हैं, हर इंसान की पसंद अलग होती है, तो आप लोगों की पसंद क्या है वो आप मुझे बताइए मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर। तब तक मैं भी चलता हूँ, आराम करता हूँ, तैयारी करता हूँ नेक्स्ट वीडियो की, और मिलूंगा आपसे जल्दी। चीयर्स, गुड बाय एंड जय भवानी।